वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मुझे कि आप बहुत अच्छे से ही होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब देखिए, आज हम पानी की बात करते हैं। पानी, वाटर, जो उसमें एनर्जी होती है। हम ग्लास पानी का लेते हैं और हमारे थॉट्स क्या चलते हुए होते हैं, एक एक घूंट हम जैसे पानी पीते जाते हैं और हमारे थॉट्स क्या रहते हैं, ये काम नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, बड़ी टेंशन है, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरीके के भाव आप में आते रहते हैं। तो पानी में क्योंकि एनर्जी होती है और जो पीते समय जो शब्द आप बोलते हैं वही आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ लोग भोजन करते समय भी इस तरीके की बातें करते हैं, जैसे दुख भरी बातें, सैडनेस वाली बातें, या बिजनेस की अगर बात कर रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो गया, ये नहीं हुआ, एम्प्लॉयज की टेंशन है, वो सारी बातें आप भोजन के समय में करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भोजन में जो आप किस प्रकार की एनर्जी ले रहे हैं अपने उसमें स्वास्थ्य के लिए, सैडनेस वाली या टेंशन वाली, तो उस भोजन को करके आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि उस भोजन में आपकी एनर्जी क्या गई है, टेंशन वाली एनर्जी गई है, सैडनेस वाली एनर्जी गई है, या आप भोजन करते करते ही गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर बच्चे पास में बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर आपने गुस्सा किया, तो ये जो टेंशन वाली जो फीलिंग आपके भोजन के समय आई या पानी पीते समय आई, तो वो सारी की सारी एनर्जी आपने अपने शरीर में ग्रहण कर ली। तो इस एनर्जी का आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप हमेशा इसी टेंशन में जीना स्टार्ट कर देंगे। उसकी जगह अगर आप इसी पानी को ब्लेस करके अगर पीते हैं कि मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और एक एक घूंट अगर आप पीते जाएंगे और इस तरीके से ब्लेस करके आप अगर इस पानी को पियेंगे, तो इस पानी की जो एनर्जी है आपके शरीर में जब जाएगी तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो हमेशा फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भी आप पानी पिए, ब्लेस करके पिए, भोजन जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं उसको ब्लेस करके पीजिए, क्योंकि अगर आप इसको ब्लेस करके नहीं पियेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में जाना स्टार्ट कर देगी, तो ऐसा न करिए आप। इसके अलावा एक छोटी सी टिप है मेरी, बरसात का पानी, बरसात का जो पानी है स्वाति नक्षत्र में, आप उस पानी को इकट्ठा करके इस तरीके से बोतल में आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होती है, यूनिवर्स की एनर्जी है, जो उस नक्षत्र के साथ में बोतल में आपने की है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि किसी बर्तन में आप उसको इकट्ठा कीजिए, बर्तन में इकट्ठा करके इसको आप जहां आपका लॉकर रूम है या जहां आप पैसे का लेन देन जो करते हैं उस जगह आप इस पानी को प्लेस कर दीजिए। तो ये जो पानी है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है, उस नक्षत्र की एनर्जी है, तो ये आपको मनी को फ्लो करने वाली होगी। तो एक आप ये करके देखिए। इसके अलावा आप दवा भी जैसे लेते हैं, तो दवा लेते समय भी आप पानी के साथ में ही, क्योंकि दवा लेते हैं तो उस वक्त भी ये ब्लेस करके लेना स्टार्ट करिए कि ये जो दवा मैं ले रहा हूँ इस पानी के थ्रू, तो इस पानी में के साथ में जो मैं दवा ले रहा हूँ अमृत का मेरे काम करेगी, क्योंकि ये पानी नहीं है, ये अमृत है मेरे लिए। और एक एक घूंट से अगर जब आप दवा उसको लेंगे, दवा को, तो वो आपके शरीर में धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट लाना शुरू कर देगी। यानी ब्लेस करके ही आप दवा लीजिए, ब्लेस करके आप पानी पीजिए, और ब्लेस करके ही आप फ्रूट्स जो है वो खाइए, ब्लेस करके ही आप भोजन कीजिए। पर एक चीज का लेडीज आप लोग जरूर ध्यान रखना, जैसे ही आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं सभी मेंबर्स के साथ में, तो उस जगह आपका जो डिस्कस वाला जो मैटर है वो सैडनेस वाला नहीं होना चाहिए, शिकायत वाला नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, खासतौर से लेडीज की, कि घर में जैसे कोई सामान खत्म हो गया है तो वो हमेशा भोजन के समय ही किसी को भी बताती है कि भी घर में ये सामान खत्म हो गया, तो जो भोजन करने वाला है उसको सबसे पहले टेंशन यही हो जाएगी कि सामान नहीं है घर में। तो इसका भी ध्यान रखिए,
आपको सामान की अपनी लिस्ट बना लेनी है और उसके बाद में ही उस लिस्ट को दीजिए, भोजन के समय में उस लिस्ट को ना दीजिए। तो इस चीज का लेडीज लोग आप लोग ध्यान रखें। और अगर आप खुद सर्विस कर रही हैं, आप जॉब कर रही हैं, तो लिस्ट बना के अपने पर्स में रख लीजिए और आते समय उस लिस्ट के थ्रू सामान लेकर आ जाइए। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि भोजन के समय आप किसी प्रकार की ऐसी चर्चा को रूप न दें कि वो टेंशन के कारण आपका बन जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी प्रकार के वीडियोस और देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।